राष्ट्रपति की बेटी के नाम से सोशल मीडिया पर किया ऐसा काम, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सिखा दिया सबक। मजाक में भी सोशल मीडिया पर हरकत करना बहुत भारी पड़ेगा, आप भी सावधान रहिए। इंजीनियर ने सोचा था राष्ट्रपति की बेटी का नाम देखकर पुलिस के अधिकारी डर जाएंगे, लेकिन हो गया ठीक इससे उल्टा। देखिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू की बेटी का नाम का सहारा लेना इस लड़के पर कितना भारी पड़ने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बेटी है इतिश्री मुर्मू। राजनीति से उनका कोई वास्ता नहीं है। झारखंड के रांची शहर में रहती हैं। पैसे से बैंक मैनेजर हैं, लेकिन उनके नाम का इस्तेमाल कोई ऐसे करेगा किसी ने सोचा नहीं था। नेताओं के नाम का बेजा इस्तेमाल तो आम बात है, लेकिन राष्ट्रपति की बेटी के नाम का यूज करके कोई फायदा उठाना चाहे, ये पहली बार हुआ है। मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा का है। एक इंजीनियर लड़के ने इतिश्री मुर्मू के नाम से सोशल मीडिया पर फायदा उठाने की कोशिश की है। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए यूपी की पुलिस पहले से मुस्तैद थी। इंजीनियर लड़के ने इधर ट्वीट किया और उधर पुलिस के जवानों ने उसे तुरंत धर दबोचा। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आखिर इतिश्री मुर्मू के नाम का इस्तेमाल करने पर इस लड़के के साथ पुलिस ने जो किया है उस पर आपकी क्या राय है। दरअसल इतिश्री मुर्मू नाम के ट्विटर अकाउंट से 22 अगस्त की शाम 7:38 पर एक ट्वीट किया गया। इसमें लिखा था, ग्रेटर नोएडा सोसाइटी हुक्का बार और अय्यासी का अड्डा बनती जा रही है। इज्जतदार परिवार वाले रेजिडेंट का रहना मुश्किल हो गया है। प्रोव्यू टेक्नो सिटी अपार्टमेंट और निम्बस सोसाइटी 4-5 में हुक्का बार अय्यासी खुलेआम चल रही है। नोएडा पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए। चूंकि ट्वीट करने वाले प्रोफाइल का नाम इतिश्री मुर्मू का था, इसलिए पहले पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। आनन फानन में नोएडा पुलिस ने बताए गए फ्लैट पर पहुंचकर जांच की। इस फ्लैट में शैलेंद्र यादव और रंजीत यादव किराए पर रहते हुए मिले। दोनों युवक इस फ्लैट में टिफिन सर्विस का काम करते हैं। इस फ्लैट की पुलिस ने पूरी तलाशी ली, लेकिन नशे से संबंधित कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद नोएडा पुलिस ने ट्विटर अकाउंट की जांच शुरू कर दी, क्योंकि यह अकाउंट राष्ट्रपति की बेटी के नाम पर था और प्रोफाइल पर हर घर तिरंगा की तस्वीर लगी थी। पुलिस ने जब बारीकी से जांच की तो महसूस हुआ कि अकाउंट फर्जी हो सकता है, क्योंकि इस हैंडल से किए गए ट्वीट में कई शाब्दिक गलतियां थी। पुलिस ने इस मामले में साइबर सेल की मदद भी ली। जांच में पुष्टि हुई कि श्री मुर्मू नाम का ही ट्विटर अकाउंट फर्जी है और इसे कोई अन्य व्यक्ति चला रहा है। नोएडा के बीटा 2 थाने की पुलिस ने इस अकाउंट को चलाने वाले का सुराग भी तलाश लिया और साइबर एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इसे चलाने वाले तक पहुंच गई। इस मामले में आरोपी व्यक्ति शैलेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि आरोपी से 3 मोबाइल रिकवर हुए हैं। आरोपी से पूछताछ चल रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस तरह का ट्वीट करने का उसका मकसद क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।